أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم भाई दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह पाक ने उन तमाम को छोटी सी जिंदगी अदा फरमाई है। हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की उम्रें आम तौर पर 60 और 70 के दरमियान रहे। अब छोटी सी जिंदगी में अल्लाह पाक की तरफ से बेशुमार नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है। हमारी ज़िंदगी के मकसद को भी अल्लाह ने कुरान पाक के ज़रिए से बतलाया कि हमने तुमको खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और हयात यानी दुनिया की ज़िंदगी इसलिए दी है ताकि आजमावे तुम में से अच्छे अमल करके कौन ला। आमाल भी करने हैं और आमाल को अच्छी तरह के करना है। अच्छी तरह से मकसद ये है कि हमारा हर आमल अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। तरक तूफी कुम अमरैन, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ों को छोड़ करके जाता हूँ। अगर इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे तो कभी भी गुमराही तक नहीं पहुँचोगे, माना अल्लाह पाक हिदायत देगा। एक तो फरमाया किताबुल्लाह को पकड़, अल्लाह की किताब कुरान पाक, और दूसरा हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सुन्नतों की इत्तेबा कर। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, शादी में, खुशी में, गमी में, सफ़र में, हजर में, कमाइयों में, खर्च करने में, इबादत में, मामलात में, माशरत में, घर में दाखिल होने में, घर से निकलने में, चलने में, पानी पीने में, खाना खाने में, एक ही कमल। किसी ने मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा आप लोगों को घर से बेघर करते हैं, बिस्तरा कंधे पर उठवाते हैं, एक गांव से दूसरा गांव, एक शहर से दूसरा शहर, एक इलाके से दूसरा इलाका, एक मुल्क से दूसरा मुल्क, आप क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है कयामत तक के लिए। अल्लाह पाक की तरफ से मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से जो बात निकली है बड़ी समझने की बात है। आपने फरमाया जमी माजा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं वो तमाम इंसानों की ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाए। मैं और आप हर हफ्ते इज्तिमा में आते हैं, हर महीने 3 दिन लगते हैं, हर साल का चिल्ला लगता है, हर हफ्ते में 2 गश्त करते हैं, बैरून के सफ़र होते हैं, अंदरून के तकाजे पूरे होते हैं। अब हमें दोस्तों बुजुर्गों अपनी ज़िंदगी को गौर व फिक्र करके क्या मेरी ज़िंदगी में वाकई में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें ज़िंदा हो गई देखने की ज़रूरत। अल्लाह पाक ने हमको मेहनत करने की नेमत अता फरमाई और मेहनत के नतीजे पर हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को संवारने की ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी में कोई अल्लाह का हुक्म न टूटे, मेरी ज़िंदगी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों वाली बन जाए। हम दुनिया के नादान इंसानों को देख कर न चले, क्योंकि ज़िंदगी तो हर एक को मिली है
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, एक एक करके दुनिया में आए, और एक एक करके बोलो दुनिया से कौन कौन जाएगा? अरे जरा हाथ उठाओ, सभी जाएंगे। हमारा आना भी अच्छा हो, हमारा जाना भी अच्छा हो, ऐसे न जाए कि चलो आए थे और चले गए। नहीं, दुनिया में कुछ करके जावे, दुनिया में आखिरत बना के जावे, दुनिया में अल्लाह को राजी करके जावे, दुनिया में ईमान पर मेहनत करके जावे। सहाबा किराम की जिंदगी में जो नुमाया फर्क था, तमाम के तमाम सहाबा के मुतालिक हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जो इनमें से किसी एक की भी इख्तिदा कर लेगा अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। इनकी जिंदगियां, इनका ईमान, इनका अल्लाह के साथ ताल्लुक, इनका हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की मोहब्बत और इश्क अजीब और गरीब। इसलिए बुनियादी मेहनत, हर नबी की आवाज पहली जो थी और उम्मत को जो पहला सबक सिखलाते थे, या अय्युहन्ना सुकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, ए लोगो, ऐ लोगों, इस कलमे का यकीन बना लो, अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की जिंदगी में कामयाबी देगा। कितनी बड़ी बात है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज हमारा ईमान, हमारा कलमा, हमारे दिल भीतर का यकीन सही हो जावे। हर नमाज की हर रकात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो पूरी दुनिया के तमाम जहानों का रब है। पालने वाला वो है, जिलाने वाला वो है, मसाइल का हल करने वाला वो है, कितनी बड़ी ताकतों वाला है। कामयाबी की शक्ल में इंसानों को नाकाम कर दे और नाकामी की शक्ल में इंसानों को कामयाब कर दे, मौत की शक्ल में इंसानों को जिंदगी दे और जिंदगी की शक्ल में इंसानों को फना के घाट उतार, मालदारी की शक्ल में इंसानों को गरीब करे और गुर्बत की शक्ल में इंसानों को अल्लाह पाक ने दुनिया में इज्जत के मीनारे पर बिठाने वाला अल्लाह है और जिल्लत के घड़े में पहुंचाने वाले बोलो कौन है? अल्लाह पाक। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर मुतलक। बगैर सुतून के आसमान बनाए, बेहतरीन शक्ल में जमीन बनाई, इंसानों को बनाया, खाने पीने के निजाम को चलाया, आसमान से बारिश को बरसाया और कुएं और नदी और नाले के अंदर अल्लाह पाक ने स्टोरेज किया और इंसानों की जरूरत का इंतजाम किया। कितना पानी आदमी पीता है, कितना पानी आदमी इस्तेमाल करता है, आप अंदाजा लगाओ। अगर पानी पैसों से देना पड़ता क्या हालत होती है? एक आदमी रोजाना अगर 1.5 लीटर पानी पीता है 10 अफराद है घर में, एक आदमी रोजाना इस्तिंजा में 5 लीटर इस्तेमाल करता है, गुसल में 10 लीटर इस्तेमाल करता है, और एक दो नहीं 700 करोड़ इंसान दुनिया में, अब अंदाजा लगा रोजाना कितना पानी का इंतजाम और उसका स्टोरेज और उसके लिए बिल्कुल साफ और शफाफ पानी का इंतजाम। और हर चीज की हयात अल्लाह पाक ने पानी के अंदर रखी है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, आसमान को देखे न जमीन को देखे देखना, लेकिन आदमी अपनी जाती जिंदगी को देखे, अल्लाह पाक ने कितनी बेहतरीन शक्ल में कैसी आंखें बनाई, कैसी जुबान बनाई, कैसे 32 दांत बनाए, कैसे हाथ पैर का निजाम बनाया, कैसे नसों का इंतजाम बनाया, कैसे अल्लाह पाक ने गुर्दे फेफड़े कलेजी का इंतजाम किया, कैसे इस्तिंजा का, कैसे पेशाब का, कैसे सोने का, कैसे चलने का, कैसे उंगलियों के मोड़ने का, पैर लंबे हैं, हाथ छोटे हैं, नाक इससे भी ज़्यादा छोटी है, आँख उससे भी ज़्यादा छोटी है, ये निज़ाम अल्लाह पाक ने।
सर के बाल बढ़ते चले गए लेकिन भौ के बाल आंखों के ऊपर अगर ये बढ़ने शुरू हो जावे फी अनफुसिकुम अफलातुबसिरून। आदमी रात को खाना खा के सो जाता है, उसे पता नहीं चलता खून अलग बन गया, कैल्शियम अलग बन गया, चूना अलग बन गया, लोहा अलग बन गया, फुजला अलग बन गया। अब उसका इंतजाम हो गया, ये सुबह में उठा फारिग हो गया 10 मिनट के अंदर और बिल्कुल फ्रेश हो गया। ये पूरी रात की चक्की का चलाने वाला बोलो कौन है? इंसान को तो पता नहीं, माँ के पेट के अंदर इंसानों का निजाम चल रहा, आंखें कब बनी कैसे बनी, न किसी फीट करने का आवाज आया, किसी लोहे का आवाज आया, किसी की खड़खड़ाहट आई, कान कैसे बने, आंखें कैसी लगी, नाक कैसे लगा। तीन तीन अंधेरी के बीच के अंदर अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया, ए लोगो हमने तुमको पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान हिनुम मिन अद्दहर लम यकुन शयम मस्कूरा, एक जमाना तेरे ऊपर इंसान ऐसा गुजरा है तो दुनिया में काबिल तस्करा कोई चीज नहीं। कितनी बेहतरीन शक्ल के अंदर अल्लाह ने इंसानों को पैदा फरमाया। ये पहले दिन की आवाज है, या यूहन्नास कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, ए लोगो इस कलमे का यकीन बना लो, अल्लाह की जात और सिफात का यकीन बना लो। अल्लाह की जितने सिफात है, वो जानने वाला तो कैसा, वो देखने वाला तो कैसा, वो रोजी का पहुंचाने वाला तो कैसा। पूरी दुनिया हैरान है, अल्लाह ने हर एक की रोजी का निजाम चलाया, हर एक की आंखों का निजाम चलाया। हर आदमी अपनी जुबान से जो कुछ सोचता है, यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर, दिलों के भेद को जानने वाला बोलो कौन है? अल्लाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बेटे ने अपने बाप की शिकायत की, मेरे वालिद मेरे पैसे में इस्तेमाल कर लेते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को कहा, जाओ बाप को बुला के लाओ। वो सच्चाई का जमाना था। बेटा आया, अब्बा जी आपको अल्लाह के नबी बुलाते। बेटे क्या बात हो गई, गोलमोल बात नहीं हो रही, अल्लाह जानता है, साफ बात सच्चाई के साथ। अब्बा जी मैंने शिकायत कर दी, आप मेरे माल में से बगैर इजाजत के इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अल्लाह के नबी ने आपको तलब फरमाया। बाप बेटे चले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के दरमियान, चूंकि शेर शायरी का जमाना है, उस जमाने के अंदर हर आदमी अपने खानदान अपने कारनामे शेर शायरी के जरिए से बतलाता था और उनके मुकाबिल के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान पाक को उतारा और कयामत तक का चैलेंज दिया है, एक सूरत एक आयत बना के दो, कयामत तक कोई नहीं बना सकता। एक ईरानी आलिम को पैसे देकर बुलाया, बोले तू कुरान जैसी कोई सूरत बना, कोई आयत बना दे, हम तेरे को इतने देंगे। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता, शाम को कुरान के मुकाबले के अंदर अपनी बनाई हुई आयत को देखता तो उसका नतीजा ये होता कि भाई कुरान के मुकाबले के अंदर आयत नहीं बनी, उसको फाड़ देता। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, 6 महीने तक माल लगाते रहे और ये 6 महीने तक मेहनत करता चला गया। आखिर में उसने फैसला कर दिया कि कुरान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो वो तो शेर शायरी के मुकाबले में आया था। तो वो बाप अपने बेटे पर जो एहसान करता है, इसलिए तो अल्लाह के नबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जात बतलाए। बाप की दुआ बेटे के हक में बोलो डायरेक्ट, माँ के कदमों के नीचे बोलो बाप जन्नत का। अगर माँ बाप को खुश किया तो अल्लाह खुश है और अगर माँ बाप को नाराज किया तो बोलो अल्लाह नाराज।
वला तकुल्लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा, कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। पूरी जिंदगी बतलाइए कैसे चलना, ये भी कुरान ने बतलाया। माँ बाप के साथ क्या मामला करना कुरान ने बतलाया। अपने बीवी बच्चों के साथ कैसी जिंदगी गुजारना, क्या सिखलाना, क्या खिलाना, क्या घुमाना, ये नहीं बतलाया। وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, कुरान ने बतलाया। एक मुसलमान किसी मुसलमान के घर में दाखिल हो गए तो क्या कहेगा, या अय्युह अल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू, इजाजत लो, सलाम करो। मुसलमान को तो चलने का तरीका बतलाया। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हवना, ये अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में जमीन में नरमी के साथ चलते हैं। और एक जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ के मत चल, तेरी अकड़ निकल जाएगी। आज नहीं तो बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, कल। रोजाना सूरज का निजाम देखे, सुबह निकलता है तो कैसा धुंधला होता है, हर बच्चा हर बड़ा हर छोटा उसकी तरफ निगाह से ताक कर बराबर देखता है। फिर 9-10 बजे, फिर 12 बजे कोई की ताकत नहीं है कि उसके सामने देखे। लेकिन शाम के 5 बजे के बाद मगरिब से पहले पहले सूरज के निजाम को देखकर आदमी इबरत हासिल करे, ए इंसान तेरी जिंदगी का भी सूरज गुरु होने वाला है, तेरी जिंदगी की जवानी जाने वाली है, तेरी जिंदगी की अकल बुला दी जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि फौरन, बहुत बड़े सेठ साहब है, बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत बड़े अलकाब जो लगाते हैं नाम के साथ 2-4-5-10-15, अरे तू सोच तो खरा कि जिस दिन इंतकाल होता है उस दिन पहले उसका नाम मिटा दिया जाता है। अरे बोलो, अगर इंतकाल होने के बाद सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे बोलो, मैं अपना ही कहता हूँ, मेरा इंतकाल हो गया, हो गया तो सही ना, अरे बोलो ना यार, घबराओ मत। इंतकाल होने के साथ ही कोई यूँ नहीं कहेगा कि बोलो यासिन को लाओ, बल्कि किसको लाओ, मैयत को लाओ। मैयत कब उठेगी, मैयत को आखिरी मंजिल, आखिरी मंजिल कब ले जाएंगे, क्या टाइम तय किया मैयत के उठाने का, अरे बोलो, नाम बुलाते। इंसान की अकड़ को अल्लाह दूर कर, तो सूरज के गुरु होने के साथ ही इंसान तेरी जिंदगी का सूरज भी गुरु होने वाला है। कितने साल, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, हमने तुमको कमजोर पैदा किया, फिर अल्लाह फरमाते हम तुमको ताकत वाला बनाएंगे, और ताकत वाले के साथ फिर आगे अल्लाह पाक यूं कहते हैं फिर हम तुमको कमजोर बनाएंगे, फिर हम तुमको फना के घाट उतारेंगे, फिर हम तुमको मौत देंगे, फिर अल्लाह के सामने खड़ा कर देंगे और पूरी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल-क़य्यिसु मन दान नफ्सा, अकलमंद आदमी, अकलमंद आदमी, अकलमंद कौन, जो अपनी आखिरत को याद करे। तो बाप और बेटे दोनों चल रहे हैं, बाप अपने बेटे पर जितने एहसान के मामले करते हैं, माँ खून का दूध बनाकर पिलाती है, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है बाप की तमाम खुशियां बेटे के लिए, बेटे को उंगली पकड़ के चलाता है, बेटे को सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोता है। एक आदमी का खाना हो घर पे और माँ और बेटा हो, बोलो माँ किसको खिलाएगी, बेटा कहेगा अम्मी तू खा ले, तो माँ क्या कहेगी,
मेरे को भूख नहीं, हालांकि भूखी है। ये तमाम बाप के माँ के एहसानात बच्चे पर, अब वो बाप अशार की शक्ल में अपने दिल ही दिल के अंदर अशार बनाता है, हमने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तुम्हारे वजूद का जरिया हम बन गए, हमने तुमको सूखे में सुलाया, गीले में हम सोए, हम भूखे रहकर तुमको खा। अब पूरे अशार नकल किए, बाप बेटे पहुंचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अल्लाह तो अलीमुम बिजाते सुदूर है, अरे बोलो, कोई नहीं जानता, देखो कोई को कहना मत, सेठ नौकर को कहता है, ओ जो जो चीज का इस्तेमाल गलत होता है तो आपस में मिलकर देखो, कोई को खबर नहीं पड़ी, लेकिन बोलो अलम तर अन अल्लाह यअलम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, जब तुम दो आदमी आपस में बात करते हो, बोलो तुम्हारे साथ तीसरा कौन है? कुरान ने बताया, अल्लाह को भूलकर बात मत करना, कोई नहीं जानता, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, ये बात अमानत है, ये प्लान किसी को पता नहीं चले। नहीं, वम करूं वम करूंगा, तदबीरें इख्तियार करते रहो, बेहतरीन तदबीर करने वाला बोलो कौन है? अल्लाह का निजाम। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इन तमाम चीजों को बतला दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजों को छोड़ करके जाता हूं, अगर इनको मजबूती से पकड़ लोगे कभी भी गुमराही तक नहीं पहुंचोगे। एक तो किताबुल्लाह पहली आयत, नमाज में पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार। बीवी का पालनहार मैं नहीं, बेटे को परवरिश करने वाला और उसको रोजी देने वाला मैं नहीं, ये तो अल्लाह ने जरिया बनाया, वरना निजाम को चलाने वाला बोलो कौन है? ये धोखा है। जब शोहर का इंतकाल हो जाता है तो बीवी बहुत रोती है, हम समझते हैं कि बीवी को शोहर के साथ बड़ी मोहब्बत है, बीवी इसके लिए नहीं रोती। अरे बोलो किसके लिए रोती है? अपने लिए। अब ये शोहर चले गए, अब मेरा क्या होगा? इसलिए मैं और आप धोखे में न रहे, हर आदमी अपनी तैयारी में लगे, एक एक कदम, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, हम कब्र की तरफ जा रहे हैं और हम बड़े नहीं होते। आदमी कहता है मेरा बेटा बड़ा होगा, नहीं, वो जिस दिन आया उस दिन 60 साल का था, अब 10 साल का हो गया, आप कितने साल बाकी रहे? अरे बोलो, छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? हम धोखे में, एक गाड़ी में बैठे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी में और 2 नंबर की गाड़ी चल रही है, अरे बोलो क्या लगता है? अरे बोलो, अपनी गाड़ी चल रही, हालांकि हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और 2 नंबर की गाड़ी गुजर रही है, ये धोखा कितनी देर में खुलेगा? 1 मिनट, आखिरी डब्बा गुजर गया, ओहो हम तो खड़े के खड़े हैं और ये गाड़ी नंबर 2 के प्लेटफॉर्म वाली चल रही है, हम धोखे में, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा जवान हो गया, हाँ दिखने में तो है। इसलिए दीन को अकल के तराजू में नहीं समझना बल्कि नकल के साथ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपने फरमाया अगर कोई चीज तोलो तो झुकती दो, जिन वर्जे। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में गए, अब उन्होंने सोचा कि इस हदीस पर अमल करना है, 4 महीने लगा कर आए, अपने बेटों को जमा किया, 4 बेटे थे, सोने और चांदी का कारोबार था,
उसने चारों को जमा करके यूं कहा, मैं एक हदीस सुनकर आया हूं और मैं नियत करके आया हूं कि इस हदीस पर हम सबको अमल करना है। अब आप बतलाओ, जो आप कहोगे अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करेंगे, मैं ये सुनकर आया हूं कि जब भी तोले तो बोलो थोड़ा सा झुक जाते। दीन अकल के तराजू से नहीं चलता दुनिया में। तीन बेटे मान गए, अब्बा जो आप कहोगे। एक बेटा कहने लगा, अब्बा हमारा कारोबार कोई चने मुमरे का तो नहीं है, सोना और चांदी, और सोने का रेट क्या है आजकल? अस्सी हजार रुपए का तोला। अगर कोई आदमी आया एक तोला लेने के लिए और अगर हमने एक ग्राम झुकाया, एक ग्राम, दस की जगह ग्यारह ग्राम दिए, तो कितने रुपए का एक ग्राम होगा? आठ हजार। आठ हजार का तो मुनाफा नहीं है। आधा ग्राम झुकता देने का, दस की जगह पर कितने ग्राम दिए? साढ़े दस। आधा ग्राम पड़ा है, कितने रुपए का हुआ? चार हजार रुपए का भी मुनाफा नहीं है। ऑनलाइन का बिजनेस है, आपस में हरीफाई हो रही है। पाव ग्राम बढ़ाया, बोलो कितने का? इतना भी मुनाफा नहीं। अगर है तो वो तो पूरा ही चला जाएगा। अब्बा हम देवे तो कैसे दे रहे? उसने कहा, सुनो, अल्लाह के नबी की बात कभी भी गलत, अल्लाह के नबी के अमल में कभी भी नुकसान नहीं होता। हम धोखे में हैं, दाढ़ी लगाएंगे, कुर्ता पायजामा पहन कर जाएंगे तो कोई हमको नौकरी नहीं देगा, कोई लड़की नहीं देगा। अरे आप जो दाढ़ी रख के जो निकलते हैं उनकी खूबसूरती तो आप देखो, चार चांद लग जाते हैं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद में वो जो खोट की कड़िया आपके दंदाने मुबारक में घुस गई या चेहरे पर घुस गई, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने आगे बढ़े कि मैं उनको अपने दांतों से खींचूं। एक और साहबी कहने लगे, ए अबू बकर, आपका दर्जा तो बहुत आगे है, ये सआदत मेरे को हासिल करने दो, मैं अपने दांतों से आपकी जो कड़िया घुसी हुई है मैं अपने दांतों से निकालूं। ठीक है, आप पढ़ो। बहुत अच्छा नाम था, मेरे जहन से निकल गया उस साहबी का नाम, अबू उबैदा या अबू हुरैरा या अबू उबैदा, दोनों में से कोई एक। तो उन्होंने अपने दांतों से वो कड़ी निकाली, एक पहला दांत टूट गया, दूसरी निकाली दूसरा दांत टूट गया, आपने तीसरी कड़ी निकाली ऊपर के तीसरा दांत टूट गया, और चौथी कड़ी निकाली तो चौथा दांत टूट गया। ये ऊपर के आगे के दो, और जो खूबसूरती में जिसकी बरकत से खूबसूरत आदमी दिखता है ये चारों दांत टूट गए। अब बजाहिर क्या हो रहा है, इनकी खूबसूरती खत्म हो गई, दांत टूट गए, लेकिन अल्लाह के नबी के मोहब्बत में ये दांत टूटे थे। लेकिन जब चारों दांत टूट गए और आपकी खोद की कड़िया निकल गई, उसके बाद किसी ने कहा, ए अबू उबैदा, आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हो। इसलिए दीन अकल से समझने की बात नहीं, दीन के लिए बोलो नकल की जरूरत। तो वो तीन बेटे तो नकल के साथ कि अल्लाह के नबी ने कहा है कभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन चौथा बेटा कहने लगा, अब्बा जान हमारा कोई चने मुमरे का कारोबार नहीं। बाप ने कहा, मैंने कहा है ना, मैं इस हदीस पर अमल करने की नीयत से आया हूं और अब भी जब भी तुम तोलोगे तो थोड़ा झुकता दो। बेटा जो चौथा था वो हिसाब लगाता रहा कि इस साल तो बजाय नफे के बोलो, अरे बोलो नुकसान हो।
लेकिन हुजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करने में बोलो कभी नुकसान होगा? यह हमारा सबक है, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, जो अल्लाह के नबी ने कहा उस पर मेरा यकीन है। सारी दुनिया की आंखें गलत देख सकती है, मेरे नबी की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदका, हम सूद को मिटाएंगे, हम सदके को बढ़ाएंगे। हमारी आंखें देखेगी कि सूद की वजह से माल बढ़ता हुआ नजर आता है और सदके की वजह से माल कम होता हुआ नजर आता है। यह हमारी आंखों का धोखा है, वरना कुरान तो यूं कहता है यमहकुल्लाहु रिबा, हम सूद को मिटाएंगे, खत्म करेंगे नहीं बल्कि मिट जाएगा, कम नहीं होगा। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सूदी कारोबार करने पर अल्लाह पाक की तरफ से कुरान पाक में जंग का ऐलान है, फैलम तफअलु फादनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अरे जो आदमी अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करे, बोलो दुनिया में कभी जीत सकता है? लेकिन धोखा क्या है, सूद के जरिए से माल बढ़ता हुआ नजर आता है। एक थी तो दो दुकान, एक ट्रक थी तो दो ट्रक, एक गाड़ी थी तो दो गाड़ी। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में और आखिरी उम्र 40 साल के अंदर अंदर अल्लाह पाक उसके माल को ख़त्म कर देते। अब देख लो दुनिया में, हमारे यहाँ एक आदमी 99 जीन का जो रुई लेते हैं और कपास बनाते हैं, कपास लेते हैं और रुई बनाते हैं, ऐसे 99 जीन का मालिक था लेकिन सूदी निज़ाम चलाने वाला। एक मरतबा हमारे एक रिश्तेदार बम्बई में बैठे थे, वो आदमी मांगने के लिए आया, भूख लगी है खाना खिला दो। वो नहीं जानता था कि मैं जिनसे पहले मांग लेता था वो यहाँ स्टेशन पर बैठे हैं। वो पहुँचते पहुँचते उनके करीब आ गया, वो पहचान करके कहने लगा, अरे भाई तू, अरे सेठ साहब आप यहाँ, ये क्या हो गया, आप तो 99 जिन के मालिक थे। बोले था लेकिन वो सूदी निज़ाम चलाने की बरकत से अल्लाह के नबी ने कुरान पाक के जरिए से हमें बतलाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, हम सूद को मिटा देंगे और हम सदक़े को बढ़ा देंगे। आदमी दुनिया में, एक आदमी ने सूदी कारोबार किया, 1000 रुपये सूद पर दिए, एक महीने के बाद 100 रुपये मिले, आँखें देखेगी कि माल बढ़ गया, लेकिन कुरान यूँ कहता है हम सूद को मिटा देंगे। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बहुत बड़े मालदार थे, लोगों को सूद पर पैसे दिया करते थे और लाखों रुपए सूद पर चलते थे और हजारों रुपए का सूद हर महीने आता था। जब ये आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, मा बक़िया सूद को छोड़ दो, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, मैं अपने चचा के सूद को माफ कर देता हूं। तो मुखबिर तो दुनिया में होते हैं, जाकर एक आदमी ने खबर दी, अब्बास तुम तो मालदारों की फहरिस्त से निकल गए और गरीबों की फहरिस्त में दाखिल हो गए और बिल्कुल नीचे उतर गए। जैसे मालदारों में टॉप 10 होते हैं, अरे बोलो यार, दुनिया के 10 बड़े मालदार, तो दुनिया के 10 गरीब। एक मरतबा अखबार में मैंने देखा 100 मुल्कों का तस्करा है, बोले इसमें सबसे मालदार ये, सबसे गरीब ये मुल्क। अब पता नहीं किस तरीके से वो करते हैं, और तो निज़ाम अल्लाह चलाते, मालदारी का देने वाला बोलो कौन है, पता भी नहीं चलता। हमारे बुजुर्ग तो ये फरमाते हैं ये मेले मालदार है, पता ही नहीं चले, कपड़े भी पुराने हैं लेकिन इनके जेब भरे ले, इनके घर भरे और दिखने में सीधे साधे मेले मालदार। तो किसी ने जाकर यूं कहा, अब्बास तुम तो गरीब हो गए। अरे भाई क्या हो गया,
बोले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को माफ कर दिया। आपका जितना मार्केट में कैपिटल चलता है उस पर जितना सूद आया उस सूद को आपके भतीजे ने माफ कर दिया। क्या बात हो गई? कुरान पाक क्या है? ये कुरान इंसानों को हिदायत देती है। कुरान पाक की आयत उतरी और अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, घबरा मत जाओ फकीरी से कि सूदी कारोबार छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, कोई नहीं मरेगा, रोजी का देने वाला बोलो कौन है? अल्लाह का निजाम चलेगा। तो हज़रत अब्बास को तो यकीन है, कहा कि मैंने कैपिटल को भी माफ कर दिया, सूद को तो माफ अल्लाह के नबी ने कर दिया, और मैंने बोलो अगर 1 करोड़ रुपए मार्केट में चलते हैं तो मैंने वो 1 करोड़ रुपए बोलो माफ कर दिए, मेरे को सूदी कारोबार नहीं करना। जाहिर में दिखता था कि ये तो बोलो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, अरे बोलो नहीं गरीब हो जाएंगे, नमाज के लिए दुकान को छोड़कर आएंगे तो हमारे ग्राहक का नुकसान हो जाएगा, हमारे माल का नफे का नुकसान हो जाएगा, जकात का माल देंगे तो बोलो, किसी को सदका और खैरात करेंगे तो माल कम हो जाएगा, नहीं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदका, हम सूद को मिटाएंगे और हम सदके को बढ़ाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, जब अम्मी के पास 6 रुपये घर खर्च करने के लिए दिए और ले आओ, अल्लाह के नाम पर एक साइल आया है उसको देना है। अबू आया, अम्मी 6 रुपये दे दो, बोले अब्बू ने घर खर्च करने के लिए दिया, घर में राशन पानी लाने के लिए, बोले अब्बू ने मंगवाया, क्या बात हो गई? बोले अल्लाह के नाम पर एक साइल आया है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अब वो 6 रुपये जो घर में पड़े थे वो ला के दे। अब बोलो घर में क्या रहा? अरे बोलो, जाहिर में दिखता है कि कुछ भी नहीं। और कुरान यूं कहता है वयुर्बी सदका, हम सदके को बढ़ाएंगे, माल देने से कभी कम नहीं होता, बोलो दिखता है? 1000 रुपये जेब में 100 रुपये दे दिए, 900 रुपये रह गए, हमारी आंखों का धोखा है, जैसे मैंने आपको बतलाया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम बैठे और 2 नंबर की ट्रेन चल रही, तो धोखा, ये धोखा थोड़ी देर में खुल जाएगा। एक आदमी आया, अली सवारी खरीदोगे? हाँ हाँ। ग्राहक को भेजने वाला कौन है? ये निजाम है, एक ही लाइन की 2 दुकान, हमने देखा एक इलाके में 2 भाई एक साथ काम करते थे, बाप का इंतकाल हो गया, दोनों ने उस दुकान के बीच में बॉर्डर बना ली और दोनों वही कारोबार कर रहे हैं, हार्ड वही वो हड्डी वगैरह टूट जाती है, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं और एक की दुकान बराबर चल रही है और दूसरा स्कीम में लगा है। एक आदमी को वहाँ खड़ा रखता है, देखो मेरे भाई को इतना सब पता नहीं हो, मैं बड़ा हूँ, मेरे को तजर्बा है, मैं अब्बा के साथ ज़्यादा रहा, तुम दूसरे नंबर की दुकान में जाना। लेकिन वो बताने वाला बतला के भेजता भी था, लेकिन अल्लाह का निज़ाम चलता है, वो ग्राहक कहाँ जाता? पहले नंबर की दुकान में जाता। इसके प्लान को अल्लाह ने फेल कर दिया, वो मैं करूँ वो मैं कर अल्लाह, तुम तदबीरें करते चले जाओ, लेकिन दुनिया में काम अल्लाह की तरफ से चलेगा, निज़ाम अल्लाह पाक का चलेगा, हुक्म अल्लाह का चलेगा, अल्लाह जिसको जो जैसा चाहेंगे वो अल्लाह पाक करके बतलाएंगे। हर नबी की आवाज़ थी। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि जरूर खरीदेंगे। बोले कितने का? 140 रुपये। अच्छा, ये आपको घोड़ा दिया। बोले 2 दिन के बाद पैसे ले जाना, उधार तो जाहिद है ना? अरे बोलो, सूद जाहिद नहीं है, उधार तो जाहिद है। अब बैठे हैं कि एक आदमी आया, अली इसको बेचोगे? हाँ। कितने का? बोले 200 रुपये। अरे बोलो, नफा लेने की इजाज़त है कि नहीं? शरीयत में है। आपने 200 रुपये मिल दिया, घोड़ा या जो भी सवारी थी, 140 रुपये उसको दिए जिससे खरीदा, कितने बच गए? 60 रुपये अपनी बीवी हजरत फातिमा के हाथ में रखे और कहा कि तूने
6 रुपये खर्च किए। अल्लाह का वादा है मन जा बे हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक लेकर आएगा अल्लाह एक का कितना देगा, ये कम से कम वादा है, वरना 700, 7000, 7 लाख और उससे भी आगे बगैर हिसाब, कि अल्लाह का निजाम है। हम यकीन के साथ चले। हमारे एक बुजुर्ग बतलाते थे, हमारे सूरत जिले में बहुत बड़ा कोई सखी था, जो भी आवे सुबह में उसको दे रहे, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी की डिलीवरी है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है, मेरे बेटे का रुख्सत, जो आवे देता है। लेकिन दुनिया की हर चीज क्या होती है बोलो, लिमिटेड। क्या होती है? जिंदगी भी लिमिटेड। एक आदमी ने खाना खा लिया, अब उसके सामने तुम प्योर कश्मीर की बिरयानी लाके रख दो, कश्मीरी चाचा की, बोलो खाएगा? अरे बहुत अच्छी बिरयानी, बोले बस हो गया, लिमिटेड। एक आदमी 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे सो गया, अब उसके बाद तुमको सो जा, सोएगा? नींद नहीं आती। दुनिया की हर चीज क्या है बोलो, तो इसका भी पेट भर गया। सुबह से देता रहा देता रहा देता रहा। एक फकीर आकर कहने लगा, हाजी साहब कुछ दे दो। बोले नहीं, माफ कर लो। जब नहीं दे रहा होता आदमी क्या कहता है, तुम लोग कहते हो? अरे बोलो यार, तो चंदे वालों को भी क्या कहते थे, कोई लेने दे, माफ करो भाई, क्या माफ करो, पहले कुछ दे उसके बाद तो माफी मांग, कि भाई मेरी ताकत तो 1000 रुपये की थी लेकिन मैंने 900 रुपये दिए, भाई माफ कर दे रहे। देने के बाद आदमी को माफी मांगनी चाहिए, और हम क्या करते हैं, बगैर दिए माफ कर दो। वो हाजी साहब ने भी कह दिया माफ करो। उसने कहा कि नहीं, वो जिद्दी था, 1 रुपया तो मैं लेके जाऊंगा, मैं बैठ गया। वो बैठ गया हाजी साहब के दरवाजे पर, बोलो, बैठ गया। एक दूसरा फकीर वहां से गुजरा, उसने कहा भाई साहब ताज्जुब की बात, ये घर में तू बैठा? बोले मेरा 1 रुपये का सवाल था और हाजी साहब ने पूरा नहीं किया, तो मैंने भी सोचा कि बगैर 1 रुपया लिए हुए मैं जाऊंगा नहीं। उसने कहा तेरे को अगर 1 रुपये का तेरा सवाल पूरा हो जाए, बोले मैं चला जाऊ। तो दूसरे वाले फकीर ने अपने जेब में से 1 रुपया निकाल के दिया, किसको? पहले वाले फकीर, चल जाए, वो तो चला गया, ये इसकी जगह पर बैठ गया। दूसरे वाला फकीर, बोलो, इसको मालूम था कि अभी हाजी साहब का गुस्सा ठंडा होगा, तो हाजी साहब 1 रुपये का सिक्का लेकर आएंगे। अरे बोलो, हर आदमी अपने कारोबार में मास्टर होता है कि नहीं? ये भी एक धंधा था। तो अपनी बात चल रही है, वो बाप बेटे वहां जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे बोलो, पर नहीं जा रहे। يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, आंखों की खयानत को जानने वाला कौन है और दिलों के भेद को जानने वाला? अब ये बाप बेटे पहुंचे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से जिब्राइल अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर आए। क्या पैगाम लेकर आए? अल्लाह के नबी, इन दोनों की बात बाद में सुनना, इन पर फैसला बाद में करना, पहले इन्होंने अपने दिल ही दिल के अंदर बाप अपने बेटे पर जो एहसान करता है उसके मुतालिक जो अशार बनाए हैं, वो अशार आप पहले सुन लो। हालांकि बाप ने कलम बंद नहीं किया, कागज में लिखा नहीं, अपनी जुबान से बोला भी नहीं, होता है ना अशार जल्दी से, और रात में 12 बजे उठ गए, भाई क्या बात है, जल्दी कागज कलम ला, अशार मेरे के मेरे दिल में इल्का कर रहे हैं। शायर लोग ऐसे कैसे नहीं, वो रात में लिख लेते, रात को 2 बजे लिख लेते। इन्होंने न कलम बंद किया न जुबान से निकाला, तो क्या हो गया? अब अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचे और जिब्राइल अमीन ने आकर खबर दे दी, अल्लाह के नबी
आने वाले बाप बेटे का फैसला बाद में करना। इन्होंने जो बाप अपने बेटे पर एहसान करता है, बाप बेटे पर के साथ जो मामला करता है, उसके मुताबिक जो अशार बनाए, वो अशार आप पहले सुनो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन बाप बेटे के दरमियान में कहा, भाई वो अशार पहले सुना जो अशार तुमने बनाए। अल्लाह की तरफ से पैगाम आ रहा है कयामत तक के लिए अल्लाह उसके रसूल की बात जो भी होगी, सारी दुनिया की आंखें गलत देख सकती है, सारी दुनिया की जुबानें गलत बोल सकती है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात कभी भी गलत, ये यकीन सीखने की जरूरत है। तो वो जो 4 महीने लगा कर आए वो बाप, उसने अपने बेटों को जमा करके क्या कहा बोलो, अरे बोलो, थोड़ा सा झुकता देना। तो वो एक चौथा नंबर का बेटा था, वो कहने लगा, अब्बा सोना और चांदी का कारोबार। अब वो दिल ही दिल के अंदर रोजाना, अब्बा ने कह दिया अमल तो करना पड़ेगा, लेकिन दिल ही दिल में सोचता रहा अब हमारा नुकसान होगा। क्या होगा बोलो, हर साल, अब तो दिवाली नहीं रही, 31 मार्च को हम हिसाब करते हैं तो हमारा हर साल का 5 लाख का मुनाफा होता है। इस साल के अंदर हम जो झुकता देते हैं तो बजाय 5 लाख के मुनाफे के बोलो 5 लाख का नुकसान हो। ये इंसानों की आंखें देख रही, जैसे वहां पर सूदी कारोबार करने पर क्या दिखता है, यमहकुल्लाहु रिबा, कुरान तो यूं कहता है हम सूद को मिटाएंगे। तो लोगों ने जाकर हजरत अब्बास से यूं कहा, अब्बास तुम गरीबों की फहरिस्त में दाखिल हो गए। भाई क्या बात हो गई, बोले अल्लाह के नबी पर कुरान पाक की आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वदरू मा बकिया मिनर रिबा, ऐमान वालो अल्लाह से डरो, मा बकिया सूद को छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, मैं अपने चचा के सूद को माफ कर देता हूँ। हजरत अब्बास कहने लगे कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को माफ कर दिया, मैं बोलो कैपिटल को माफ कर देता हूँ। अब लाखों करोड़ों रुपए छोड़ दिए, बजाहिर लगता है कि गरीब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। और लोगों ने कहा कि अब्बास तुम तो मालदारों की फहरिस्त से निकलकर गरीबों की फहरिस्त में दाखिल हो गए। लिखने वालों ने लिखा है अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर, कुरान पाक की आयत की बुनियाद के ऊपर, सरक तुफी कुम अमरीन, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीज़ों को छोड़ करके जाता हूँ, अगर इन दोनों पर अमल करोगे कभी भी गुमराही तक नहीं पहुँचोगे, कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से वादा है हम तुमको हिदायत देंगे। हजरत अब्बास के 10 बेटे, एक बेटे का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास, एक बेटे का नाम फजल इब्न अब्बास। ताइप में हम लोग गए थे, ताइप में तो एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के नाम की बड़ी मस्जिद है, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की बरकत से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अल्लाह के नबी की खिदमत करते थे। पानी का लोटा दिया वजू के लिए, इस्तिंजा के लिए, आपकी ज़रूरत का जो भी खिदमत का मौका आता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, ऐ अल्लाह तुमको दीन का इल्म अता फरमा, दीन की फकाहत नसीब करे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को अल्लाह के नबी की दुआ मिली। कहते हैं कि 15-16 साल की उम्र में, हजरत शेख ने भी लिखा है 16 साल की उम्र में बहुत बड़े अल्लामा बन गए, बहुत बड़े मुफस्सिर बन गए, बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, और हजारों आदमी इनके दर्श में आते हैं। आज फिका का है, आज तफसीर का है, आज हदीस का है, और लोग आते थे। सुबह 7 बजे फजर के बाद शुरू हो जाता, 10-11 बजे तक चलता, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000 का मजमा हो जाता, इससे भी ज़्यादा लिखने वालों ने लिखा है, ये सुबह से जोहर तक अपनी रूहानी प्यास को बुझाते। जब ये जोहर के वक्त में 11-12 बजे 1 बजे जब भी इनका दर्स पूरा हो जाता, ये निकलते, फजल इब्न अब्बास ने चारों तरफ से अपने आदमी को लगा के रखा है, देखो ये पढ़ने वाले वापस न चले जावे, और ऐलान होता था
ऐलान होता था बाकायदे, देखो तुमने मेरे भाई के वहाँ अपनी रूहानी प्यास को बुझाया है, अब तुम्हारे सबके लिए खाने का इंतजाम है। अब ये सब के सब मजमा फजल इब्न अब्बास के घर जाता, पर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, महीना नहीं, हफ्ते में एक मरतबा गश्त आवे, जमात आवे, उस दिन का मसला नहीं था, ये तो रोजाना का मसला था। और 10-12 आदमी की जमात का मसला नहीं था, 10-5 हजार आदमी, कभी 10 हजार, कभी 5 हजार। फजल इब्ने अब्बास, अल्लाह पाक ने इतना माल अता फरमाया, इनके औलादों को इतना माल अता फरमाया, रोजाना 10-20 हजार आदमी को खाना खिलाते थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, इनकी पढ़ाई, इनकी रूहानी, इनको इल्म देना, इनको तफसीर सुनाना, इनको फिका सुनाना, इनको मसाइल सिखाना, इनको नमाज सिखलाना, ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास करते थे। और ये थक करके निकलते थे, फजल इब्ने अब्बास के यहाँ 10-20 हजार का खाना तैयार होता और इनके आदमी चारों तरफ से ऐलान कर लेते, कोई भूखा चला ना जावे, रोजाना 10 हजार आदमी को खाना खिलाते थे। क्या बात हो गई, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया, वदरू मा बकिया मिन रिबा, ए लोगो मा बकिया सूद को छोड़ दो, अगर तुम ईमान रखते हो, अगर तुम मुसलमान हो। अल्लाह पाक की तरफ से कुरान पाक का हुक्म आया और छोड़ दिया, कैपिटल को भी छोड़ दिया और उसका होने वाला सूद और मुनाफे को भी छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने इनके औलादों को इतना दिया, इतना दिया, आज तक लोग याद करते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद बनाई और इतना, अब कितना इल्म फैला, कितने लोगों ने दुनिया में तरक्की की, अब ये उलमा जाकर कहाँ, कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने हाफिज बने, कितना आलिम बने, क्या बात हो गई, एक अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की बरकत। हम मामूली न समझे, अल्लाह के नबी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दीन लेकर आए वो इंसानों की जिंदगी में जिंदा हो जावे। मौलाना इलियास साहब ने फरमाया, जब ये माजा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ के अल्लाह के नबी लेकर आए हैं वो तमाम इंसानों की जिंदगी में जिंदा हो जावे। अभी अभी अल्लाह पाक की तरफ से कयामत तक के लिए कुरान पाक में सूरह कहफ का एक वाक्या अल्लाह ने कुरान पाक में बतलाया, खिजर अली सलाम और मूसा अली सलातो वसलाम दोनों चले, 3 वाक्यात हुए, इसमें एक जगह गांव में दाखिल हुए, गांव वालों ने मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया, एक यतीम की दीवार गिर रही थी, उसको खिजर अली सलातो वसलाम ने सही कर दिया। तो मूसा अली सलातो वसलाम ने कहा कि गांव वालों ने खाना नहीं खिलाया और तुमने गांव वालों पर ये एहसान कर दिया, एक यतीम की दीवार गिर रही थी, तुमने उसको गिरने से बचा दिया। आगे चलकर जब तीनों वाक्यात पूरे हो गए, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर उसकी इल्लत को बयान किया, क्या फरमाया, वकान अबू हुमा सालिहा, इन दोनों के 7वीं पुश्त के दादा और दादी, बाप दादा, परदादा, सकड़ दादा, तकड़ दादा, 7वें दादा जो थे वो दादा और दादी, ये दोनों के दोनों बोलो कौन थे, नेक और साले थे। उनकी नस्ल में पहला बाप, पहला बेटा, फिर पोता, फिर पर पोता, फिर सकड़ पोता, फिर दकर, जो भी पोते आप गिनते चले, 7वां पोता यतीम था, उसके माल की हिफाजत करने के लिए अल्लाह पाक ने ये निज़ाम चलाया। मूसा अली सलातो वसलाम और खिजर अली सलातो वसलाम को बेचकर उस दीवार को सही करके यतीम के माल की हिफाजत कर ली, क्यों, वकान अबू हुमा सालिहा, उसके दादा परदादा जो 7वीं पुश्त के थे वो माँ बाप नेक और फरमा परदा थे। आज भी लोग कहते हैं अगर किसी को रोजी मिलती है तो बोले तेरे बाप की कुर्बानी का सदका है, अरे बोलो बोलते हैं कि नहीं, हाँ तेरे बाप ने तो, एक आदमी मेरे को मिला आज तो करोड़ों पति है, वो कहने लगा मौलाना मेरे वालिद की आदत ये थी कि जब कोई जमात आती थी ना तो बोले हम 10 भाई बहन थे, एक रूम था, एक किचन था, जब कोई जमात आती तो अब्बा मुअज्जिन को नहीं कहते थे खाना खिला दे, बल्कि इकराम के साथ घर में लेकर आते और पहले दाखिल होते और उनको कहते आ जाओ, तुम्हारे कदम मुबारक पड़े, मेरे घर में बरकत हो गई, तुम अल्लाह के रास्ते के मेहमान, तुम नबियों का काम करने वाले, अब जितनी जितने फजाइल वो कर सकते थे कह सकते थे वो इनको कहते।
और बोले हम 10 भाई बहनों को एक कमरे में वो किचन में बंद कर दे। एक ही रूम था, इसमें बहनें भी थी, और पूरा खाना लाकर इनको रख दे रहे। किसके सामने? अरे बोलो, मेहमान जमात के सामने। अब बाजे जमात तो बोलो गुजरात की होती है और बाजे इलाके की होती है, 10 का खाना 20 का खाना 10 आदमी भी खा सकते हैं। अरे वो ऐसा होता है कि नहीं? अब बाजे मरतबा तो खाना आधा बचता, पाव बचता, और बाजे मरतबा पूरा हो जाता, उस दिन हमारे खाने की छुट्टी हो जाती। अगर खाना पूरा और अगर पाव बचा है तो पूरे 10 भाई बहन और वालिदैन 12 आदमी बैठकर खा लेते, किसी को 2 लुक में, किसी को 4 लुक में, इस तरीके से हो जाता। लेकिन आज मैंने देखा कि इसके बेटे करोड़ों पति है, मकान अबू हुमा सवाले। आदमी कुर्बानी देता है तो उसकी कुर्बानी जाया नहीं होती। तो वो जो आदमी था, जो चौथा भाई, कौन? सोने और चांदी का व्यापार करने वाला, उसका दिमाग तो चलता था कि इस साल तो अपने बजाय 5 नफे के बोलो 5 घाटे में जाएंगे। लेकिन 31 मार्च के दिन जब हिसाब लगाया तो जितने हर साल मिलते थे 5, इस साल के अंदर अल्लाह ने दुगना नफा दे दिया। बोलो 5 के कितने मिल गए? 10 मिल गए। अल्लाह का एक निज़ाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तहब वाली रिवायत, यानी इस पर अमल करना फर्ज वाजिब नहीं। एक आदमी ने 1 किलो गेहूं मांगे, 1000 ग्राम गेहूं का देना, ये फर्ज। लेकिन 1000 ग्राम के ऊपर 5 ग्राम देना, ये बोलो वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब। बराबरी वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीन इज़ा इक्तालू अला अन्नास यस्तौफ़ून, हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते, ये तो उनके लिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो बाप बेटे गए थे ना, कौन? अरे बोलो नहीं यार जल्दी जल्दी। वो जो शेर शायरी और जिन्होंने दिल में अपने बेटे पर एहसान बतलाया था, अल्लाह के नबी को पैगाम अल्लाह पाक की तरफ से आया, जिब्राइल अमीन ने भेजा, अल्लाह की तरफ से आया पैगाम, जिब्राइल अमीन लेकर आए, अल्लाह के नबी इनका फैसला तो आप बाद में करना। इन्होंने अपने बाप बेटे पर जो एहसान करते हैं उस पर जो अशार बनाए, वो अशार आप पहले सुने। अब ये दोनों पहुंचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले आप वो अशार सुना दो। बाप हैरान, मैंने कलम बंद नहीं किया, मैंने अपनी जुबान से नहीं निकाला, अब इनको बतलाने वाला बोलो कौन है? दुनिया का निजाम चलाने वाला अल्लाह। हम धोखे में न रहे, हम सारी दुनिया के इंसानों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन बोलो अल्लाह को धोखा नहीं। अल्लाह तो अलीमुन बिजाति सुदूर है, यालम खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, आंखों की खयानत को अल्लाह जानने वाला, और दिलों के भेद को भी बोलो जानने वाला कौन है? माँ बाप के साथ तुम क्या करते हो लोग भले नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है। बीवी बच्चों के साथ क्या करते हो कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। कारोबार में क्या तिकड़मबाजी हो रही है कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है। गश्तों में क्या हो रहा है, तबलीग में क्या हो रहा है, अल्लाह पाक सब चीज़ों को जानने वाला है। सारी दुनिया की ताकत, सारी दुनिया की इल्म, सारी दुनिया की मालूमात एक अकेले अल्लाह के पास है। अल्लाह पाक हर चीज़ को जानता है। अल्लाह पाक ने तो यहाँ तक फरमाया कि पूरी दुनिया के पहाड़ों के वजन को बोलो मसाकील अल-जिबाल व मकाईल अल-बिहार व अदद कतरिल अमतार, सारी दुनिया में कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ जावे, लेकिन आज तक कोई बता सकता है कि दुनिया में इतने कतरे बारिश के गिरे? अरे बोलो, ये तो बहुत दूर की बात है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ये मेरे सर के बाल कितने हैं कोई बता सकता है? नोटों के मशीन आ गए कि नहीं? एक नोट भी कम होते तो मशीन बदला। डायबिटीज चेक करने का मशीन आ गया, प्रेशर चेक करने का मशीन आ गया। ट्रक के अंदर कितना माल है, 1 किलो है, 100 किलो, 1000 किलो, 2000, वो क्विंटल टन उसका वो आ गया।
तुम्हारे अंदर की कितनी नसें ब्लॉक है उसका मशीन आ गया। लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ए लोगो दाएं बाएं मत जाओ, तुम अपनी जिंदगी में देखो, अपनी 6x1.5 की बूढ़ी के अंदर देखो, अगर तुम अपने बाल को गिनने वाला हो तो बतलाओ कि तुम्हारे बाल सर के ऊपर कितने बाल है, 100 है, 1000 है, 5000 है, बोलो दुनिया में उसकी कोई मशीनरी है नहीं। अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से दोस्तों बुजुर्गों इसी बात को चाहा जाता है, हम अपनी ज़िंदगी को सही कर ले। हर हफ्ते आते, हर हफ्ते आते, हर हफ्ते में 2 गश्त करते, बहुत बड़ी बात है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, अगर ज़िंदगी में 4 महीने लगाओ, महीने के हर साल का चिल्ला लगाओ, महीने के 3 दिन लगाओ, हफ्ते में 2 गश्त करो, सुबह शाम की तालीम करो, घर मस्जिद की सुबह शाम तस्बीहात की पाबंदी करो, अपने मामलात की सफाई करो, एक आदमी जब इस पर अमल कर लेता है, ये जब दुनिया से जाएगा बहुत बड़ा अल्लाह का वली बनकर जाएगा। लेकिन दुनिया की हर चीज़ क्या होती है बोलो, लिमिटेड के अनलिमिटेड, अरे बोलो नहीं यार। तो वो पहला वाला फकीर वो कहाँ गया, बड़ा वाला उसकी जगह पर कौन बैठा, दूसरा फकीर। थोड़ी देर के अंदर सेठ साहब का आए थे तो चलो बयान सुन के चले जाएंगे, लेकिन अब तो नियत कर लेंगे यार अपने भी 4 महीने, अरे बोलो ना यार, नियत करिए कि नहीं। आए थे तो बयान सुनने के लिए, लेकिन अब नियत की है कि अपने भी 4 महीने। वो सेठ साहब ने भी नियत करके रखी थी कि अब तो कुछ भी नहीं दूंगा कोई भी आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा हुआ, अरे यार इतने साल से लगे, इतने साल से 4-4 महीने की आवाज़ चल रही है, लेकिन अब तक मेरे 4 महीने नहीं लगे, चलो आज तो लगा ही दूंगा। अरे बोलो ये नियत है कि नहीं, किसने किसने ये नियत की, जरा हाथ उठाऊँ, जरा पूरी नियत कर लो, सभी नियत कर लो कि इंशाल्लाह 4 महीने लगेंगे। तो थोड़ी देर में वो शेख साहब आए, जिनका गुस्सा थोड़ा बोलो, वो 1 रुपये का सिक्का लेकर आए। तो फकीर तो 1 रुपये वाला तो बदल गया था ना, वो तो चला गया। इसने कहा भाई मेरी भूल हो गई, माफ कर देना, ये 1 रुपये का सिक्का ले, अल्लाह ने इतना सब दिया है, और मैं 1 रुपये के सवाल को भी अटका दिया। तो ये फकीर कहने लगा, साहब फकीर भी बदल गया और बात भी, फकीर भी बदल गया और बात भी बदल गई। अरे भाई क्या हो गया, बोले अब तो 10 रुपये का सवाल है। कितने का सवाल है, सेठ साहब का गुस्सा तो बोलो, तुम भी नियत करके आए कि अपने बोल बोल तो चिल्ला लिखा देंगे, लेकिन अब आज तो बोलो फकीर भी बदल गया और, अरे बोलो नहीं यार, हर हफ्ते जो फकीर आते थे वो बदल गए, फकीर भी बदल गए और बात भी बदल, पहले चिल्ले की बात चल जाती थी लेकिन आज की दिन नहीं चलेगी। तो उसने कहा शेख साहब फकीर भी बदल गया, बात बदल गई, मैं क्या बात बदल गई, बोले अब तो 10 की नोट चाहिए। तो शेख साहब ने कहा चलो अल्लाह ने इतना दिया है तो 10 रुपये दे, तो 1 का सिक्का वापस रखा और 10 की नोट निकाली, ले चल ठीक है राजी है। अब ये फकीर दूसरा वाला पहले फकीर के पास गए, अड्डे मालूम होते हैं ना, अरे बोलो, जब वो माजुरीन की जमात की इब्तिदा हुई तो एक ने कहा सोपारी गली में जाओ तुमको रात को सब मिल जाएंगे। ऐसे हम लोग एक मरतबा मक्के में थे और एक टूर वाले को कुछ लिखाने की जरूरत थी मक्के से मदीने जाना, तो भाई दिखता नहीं, बोले सब वहाँ बैठे हैं इनका अड्डा है, तो हर एक के अड्डे, तो फकीरों के भी अड्डे होते। तो ये दूसरा वाला फकीर वहाँ गया और पहले वाले फकीर को सलाम करके कहता है, अरे भाई साहब मैंने 1 रुपया लगाया, देख अल्लाह ने मेरे को 10 की नोट दी, मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अमसालिया, जो 1 लेकर आएगा अल्लाह 1 का कितना देगा। बोले मैं फकीर हूँ, अल्लाह के यहाँ फकीर हो के कुछ भी हो, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युख्लिफु, जो 1 लगाएगा 1 का कितना मिलेगा बोलो, अल्लाह उसका बदला देगा। तो फकीर लगावे तो भी, मालदार लगावे तो भी, मर्द लगावे तो भी, औरत लगावे, निज़ाम अल्लाह पाक का चलेगा।
और मैं तो कहता हूं आसान रास्ता कमाने का। लोग कहते हैं कि यार मोबाइल का धंधा सबसे आसान, तो सोच चांदी वाला कहे सबसे आसान, तो अनाज बेचने वाला कहे सबसे आसान। मैं कहता हूं सबसे आसान धंधा रोजी के बढ़ाने का अल्लाह के नाम पर लगाना। अरे बोलो, एक का कितना मिलेगा? एक रुपये की आइटम लेकर आओ, 10 रुपये की बिकेगी? बाबू 100 रुपये का पकड़ा, 1000 रुपये में बिकेगा? नहीं। लेकिन ये अल्लाह पक्का वादा है, मन जा फिर तो वो पहले वाला फकीर जाकर दूसरे वाला फकीर पहले वाले फकीर को कहने लगा और 10 की नोट यूं बताई, देख मैंने 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह ने कितना दिया? अल्लाह का निजाम, अल्लाह के नाम पर लगाने पर कभी कभी न। भाई कहाँ जा रहे हैं? ओ मेरे भाई बैठिया बैठिया बैठिया। अगर तश्कील का पॉइंट आता है तो बोलो, हर हफ्ते आने वाले को तो पता चली जावे ना। वो छोटा सा बच्चा अपनी अम्मी को कहता है, अम्मी अब्बू आ गए। बेटे अपने 10वें माले में बैठे और कोई नजर नहीं आता। बोले अब्बू के स्कूटर के आवाज को मैं जानता हूँ कि अब्बू का स्कूटर पार्किंग में आ गया। अब मेरे को खबर पड़ गई कि अब्बू आ गए। तो जो आदमी 5 साल का अब्बू के स्कूटर की आवाज सुनकर अब्बू की आमद की खबर करे, तो जो आदमी हर हफ्ते आता हो, बोलो उसको तस्वीर का पॉइंट मालूम नहीं पड़े। अरे बोलो, नहीं ऐसा मत करो, नीयत करो, इंशाल्लाह हम सब 4-4 महीने लगाएंगे। ये लगाने का मौका है। हमारे हजरत जी फरमाया करते थे, लगने की जगह पर नहीं लगाओगे तो